हम बस स्टैंड में थे, रोहतक बस स्टैंड में घर जाने के लिए। मम्मी की कॉल आई थी, बेटा जल्दी आ जाए। हम जल्दी जा रहे थे तो हम गए तो उन बंदों ने नंबर लिख के हमारी साइड फेंकना स्टार्ट कर दिया। मेरी बहन ने उसका विरोध किया कि नंबर मत फेंक हमारी साइड। उन्होंने गन निकाली देखे, बोला फेंकेंगे क्या कर लेगी, हमारा नंबर तो उठाना पड़ेगा, हमसे सेट होना होगा। इतना कहते कहते हमें सीट नंबर मिल चुके थे, हम बस में चले गए। उन्होंने हमें टच करना स्टार्ट कर दिया और हमारी तरफ बुरी तरह से देख देख के किसके इशारे करने शुरू कर दिए। मेरी सिस्टर ने कहा हमारी तरफ किस मत करो, वो बोला हम तुम्हारी तरफ करेंगे। इसने कहा पर उस साइड देखो और फिर किस करो, जितना मन है उतना करो, बट हमारी साइड मत करो, बोला तुम्हारी साइड ही करेंगे। मैंने उसको धक्का देके कहा हमारी साइड किस नहीं करेगा, बोला अच्छा यूं कहते। उसने मेरी सिस्टर को पीटना स्टार्ट कर दिया, वो मेरी सिस्टर को मार रहा था, दो जो उसके साथ दो साथी थे उसके उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो जब मैंने देखा कि मेरा हाथ तो नहीं जाएगा, मैंने अपनी सिस्टर की आग के लिए बेल्ट निकाली और बेल्टों से उनको पीटा। जब तक मैं पीटती रही तब तक ठीक है, बस मंदी होगी, उन्होंने उठा के हमें बस से बाहर फेंक दिया। रोहतक बस स्टैंड से बैठ के गई थी वो लड़कियाँ, तो उनके साथ कोई रास्ते में बदतमीजी हुई थी, जिस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई और हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। हमने 164 के बयान लड़के करा दिए हैं, कोर्ट की परमिशन के उपरांत हम जो भी दोषी है उसमें गिरफ्तार कर लेंगे।